जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे अपराधी भी बेहद एडवांस हो गए हैं। आजकल के अपराधी साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों से अपराध करने में लगे हुए हैं। साइबर अपराध के तरीकों और उनसे बचाव के बारे में श्रेष्ठ भारत की टीम ने नोएडा के थाना साइबर क्राइम की SHO रीता यादव से बात की, जिन्होंने विस्तार से तमाम ऐसे तरीकों के बारे में बताया जिनके माध्यम से अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। साइबर अपराध का कोई ट्रेंड नहीं है, जैसे कोई नई चीज आती है एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये शुरू शुरू में क्या था, हमारे यहाँ KYC अपडेट के नाम पे बैंक, आपके बैंक का KYC या पेटीएम का KYC या गूगल पे में KYC, इस अपडेट नाम पे आपको फोन आते थे। फोन आने के बाद या किसी टेक्स्ट मैसेज आ गया आपको कि पेटीएम अपडेट करिए, आप इतना ये मोबाइल नंबर फ्लफड़ा डाल देते थे उसमें, या मतलब बैंक का है वो लिंक ऐसा बनाते हैं कि लगभग पब्लिक को लगता है कि SBI बैंक से, जैसे SBIN करके हमारा जब भी आता है तो आप अपना शेयर ना करें, आपको मैसेज आते हैं, वैसे उसी टाइप का लिंक बनाते हैं कि आप ऐसे KYC अपडेट कराना, नहीं तो आपका ATM कार्ड बंद हो जाएगा। अलग अलग तरीकों से बनाते हैं शिकार, फर्जी ID बनाकर लोगों से दोस्ती की और फिर उन्हें गिफ्ट भेजने के नाम पर की जाती है ठगी। अनजान नंबरों से कॉल करके वीडियो कॉल करने की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर अश्लील वीडियो बनाकर करते हैं ब्लैकमेल। KYC अपडेट करने के नाम पर की जाती है ठगी। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर बनाते हैं लोगों को शिकार। फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया के जरिए फर्जी ID बनाकर करते हैं पैसों की डिमांड। रीता यादव बताती हैं कि साइबर अपराधी आपके जागरूक न होने का पूरा फायदा उठाते हैं और आपके बैंक खातों से पैसा उड़ा ले जाते हैं। अगर लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखें और जागरूक रहें तो साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। अक्सर लोग अनजाने में किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर साइबर अपराध का शिकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से बचें। अगर किसी अनजान नंबर से कोई कॉल या मैसेज आता है तो सोच समझकर ही रिप्लाई करें। अनजान लिंक पर क्लिक या उसे खोलने से भी लोग साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। नोएडा के थाना साइबर क्राइम की CHO रीता यादव बताती हैं कि वो शहर में अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को लगातार जानकारी देती हैं, साथ ही लोगों को बताती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए साइबर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है। अगर आप किसी साइबर अपराध का शिकार हो चुके हैं तो टोल फ्री नंबर 1930 या साइबर क्राइम को रोकने के लिए वेबसाइट cybercrime.gov.in के जरिए मदद ले सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।